ऐसे थे श्रद्धेय नेताजी। और यहाँ देखिए कि अंतिम यात्रा वाहन को किस तरीके से यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, ये पता लगा है 5 क्विंटल के करीब फूल है यहाँ पर, और कितना बड़ा ट्रक है पूरे रास्तों की अब देख रहे थे? 26 फुट है। अच्छा, 26 फुट। चारों तरफ से इसको अंतिम यात्रा वाहन को? हाँ, और क्या। अच्छा, कब से आप इसको? रात से कर रहे हैं। अच्छा, रात से ही तैयार? हाँ, और क्या, 6 बजे से। लेकिन आपके भी चेहरे के भाव बदले हुए हैं, लग रहा है कि जननेता, एक जननायक। बहुत दुख है, हाँ जी, पूरे देश में कोने कोने में सभी को बहुत दुख है जी। बहुत दुख है, रात से ये लोग तैयारी कर रहे हैं। देखिए, फोर्स का मूवमेंट दिखा देता हूँ कि धीरे धीरे, मैं अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूँगा, सत्येंद्र जरा दिखाएं कि देखिए जो सुरक्षा के बेहतर और पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। तो फोर्स का जो मूवमेंट है वो भी शुरू हो गया है। नेताजी की विचारधारा से जुड़े जो लोग हैं, नेताजी के मानने वाले जो लोग हैं, इन लोगों के चेहरे की उदासी, इन लोगों के चेहरे की परेशानी को पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा कैसे थे नेताजी, कैसे थे नेताजी, धरती पुत्र थे नेताजी। बिल्कुल, किसान के लिए पूरी ज़िंदगी लड़ते रहे, पढ़ाई के लिए लड़ते रहे, बच्चों के लिए लड़ते रहे। हम लोग लखनऊ से चलकर आए हुए हैं नेताजी की सिर्फ एक झलक देखने के लिए। आज तो अंतिम यात्रा पर हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अंतिम यात्रा पर हैं। हम लोगों को बहुत दुख है इस चीज़ का कि भाई हमारे बीच अब नेताजी नहीं रहे। इस चीज़ का दुख हमको आजीवन रहेगा, बाकी अब देखो क्या होता है भाई। अच्छा, आजीवन दुख रहेगा। आप भी आए? जी जी सर, दुख तो है ही सबको देखने। जी देखिए, जो मन के भाव हैं वो नहीं बता पा रहे हैं आप इन लोगों के। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो अपने शब्दों से अपने दर्द की कहानी को बयां कर रहे हैं, लेकिन तमाम ऐसे भी लोग हैं कि जिनके पास शब्द नहीं है, वो निशब्द हैं, लेकिन उनके चेहरे के भाव, उनकी आंखों से टपकते आंसू इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कैसे थे श्रद्धेय नेताजी, कैसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह, कैसे थे लोगों के जन नेता, कैसे थे लोगों के जन नायक। और आज उस जन नायक को अंतिम विदाई देने के लिए, आज उस जन नायक के अंतिम सफ़र के लिए, देखिए किस तरीके से यहाँ अंतिम यात्रा वाहन को सजाया जा रहा है। उनको पूरी कोशिश की जा रही है कि कोई कोर कसर, कोई कमी ना रह जाए, चूँकि नेताजी ने इनकी ज़िंदगी को एक नई राह दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब नेताजी ने इनका हाथ थामा, आज भले ही हाथ छूट गया, लेकिन नेताजी से जो इनका एक दिली रिश्ता है, जो दिल का भाव है, वो ना कभी टूटेगा ना कभी छूटेगा। और इसीलिए इस अंतिम यात्रा वाहन को रात से यहाँ तैयार किया जा रहा है, और इसी पर सवार होकर नेताजी अपने अंतिम सफ़र पर निकलेंगे। आज एक ऐसा जन नेता, आज एक ऐसा जन नेता कहा जाता है कि जब आप इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, तो उसके बाद ये पता लगता है कि आपने क्या कमाया। तो नेताजी ने क्या कमाया, आज पूरी दुनिया देखेगी, आज पूरा देश देखेगा कि जब इस पूरे सैफई में पैर रखने की भी जगह नहीं होगी, सैफई की हर गली में, हर कूचे में, हर चौराहे पर, हर चौपले पर सिर्फ नज़र आएगा, तो लोगों का हुजूम नज़र आएगा, लोगों की भीड़ नज़र आएगी, लोगों के भाव नज़र आएंगे, लोगों श्रद्धा का सुमन अर्पित करने के लिए लोग नज़र आएंगे, बड़ी बड़ी हस्तियाँ भी होंगे, बड़े बड़े लोग भी होंगे, लेकिन गरीब भी होंगे, किसान भी होंगे, मजदूर भी होंगे, मजलूम भी होंगे, नौजवान भी होंगे, चूँकि आज नेताजी अपने अंतिम सफ़र पर हैं। आज नेताजी अपने उस अंतिम सफ़र पर हैं कि जो बड़ा पीड़ादायक है, बड़ा कष्टदायक है उन लोगों के लिए कि जिनका नेताजी ने हाथ थाम रखा था। नेताजी को पिता तुल्य लोग यहाँ मानते थे, और आज कह रहे हैं कि एक पिता का हाथ, एक पिता का साथ आज छूट गया है, वो छूट गया है। वो कैसे आएंगे नेताजी, कैसे अब हमारे बीच आएंगे? नेताजी बीच में नहीं आएंगे, लेकिन नेताजी की विचारधारा हमेशा हमारे बीच में रहेगी, नेताजी के भाव हमेशा हमें एक नई ऊर्जा देते रहेंगे। इस तरह की बातें कार्यकर्ताओं के मन में नज़र आ रही हैं, इस तरह के जो भाव हैं वो कार्यकर्ताओं के मन में नज़र आ रहे हैं। और आज पूरी दुनिया देखेगी कि जलवा जिसका कायम है, उसका नाम मुलायम है, मन से मुलायम, नाम से मुलायम, लेकिन कभी ना झुकना सीखा, ना कभी रुकना सीखा, हमेशा उसने सीखा तो सिर्फ डटना सीखा। सैफई का लाल, बिल्कुल ठीक है सनोज, ये तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।